नमस्कार, जबलपुर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। आम नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करने और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए गुरुवार को शहर के अलावा मजुली और शहपुरा विकासखंड मुख्यालय में अंत्योदय मेले का आयोजन किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में नगर निगम कार्यालय और मजुली शहपुरा के जनपद पंचायतों में मेला लगेगा। डुमना नेचर पार्क को नगर निगम टूरिस्ट स्पॉट के लिए डेवलप कर रहा है। साइकिल ट्रैक बनाया गया है, टूरिस्ट भी पार्क को पसंद कर रहे हैं। भीड़ भी पहले से ज्यादा पहुंचने लगी है। इन सब के बीच अब पार्क में खाने पीने की किल्लत पैदा हो गई है। यहां का कैफेटेरिया बंद हो गया है। टूरिज्म को सुविधाजनक और एडवेंचर बनाने जबलपुर चैंबर के हवाई सफर का प्रस्ताव शहर को नई पहचान दे सकता है। चैंबर की मंशा है कि जबलपुर से 250 किलोमीटर रेंज के सारे टूरिस्ट सर्किट में चंद मिनटों के अंदर ही टूरिस्ट को पहुंचाया जाए ताकि वह जबलपुर में रुक सके और जबलपुर पर्यटन का प्रमुख केंद्र बने। छोटी लाइन चौक तैयार होने में अभी 3 माह का समय और लगेगा क्योंकि चौराहे में चौथा आइलैंड बनने में बाधक निर्माणों को ही हटाने की कार्रवाई अभी शुरू नहीं हो पाई है। इसके अलावा आइलैंड में पौधारोपण के लिए नए सिरे से टेंडर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों के नाम विशेष अभियान के तहत नहीं जुड़े हैं ऐसे लोग निर्वाचन कार्यालय जाकर नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने मतदान केंद्र नहीं जाना होगा। कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कार्यालय में नाम जोड़ने के अलावा नया वोटर कार्ड किसी गलती में सुधार भी कराया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जनावंत सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जनावंत सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।